अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं व्यूअर्स। ये जी कल की वीडियो है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और ये जी हम लोग गए थे मार्केट, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी दोपहर के लिए खाना। आज हस्बैंड ने आना था जल्दी जॉब से, तो मैंने ना सुबह मॉर्निंग में ही उन्हें बोल दिया था कि आज ना मुझे मार्केट लेके जाना है। आपने तो कह रहे थे कि ठीक है मैं ले जाऊँगा, तो मुझे ये था कि मैं खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि उन्होंने फिर जुमा भी पढ़ने जाना था मस्जिद, तो जुमा पढ़ के जब आएंगे ना तो फिर मार्केट जाएंगे ना। तो यहाँ पर जी मैं चिकन करी बना रही थी, क्योंकि आज जो है उन्होंने जल्दी आना था, तो फिर जी लंच मैंने उन्हें साथ नहीं दिया था। तो यहाँ पर जी मैं चिकन करी बना रही हूँ, जैसा कि पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर जी आलू वगैरह मैंने डाल दिए थे, पहले मैंने चिकन की अच्छे से बुनाई कर ली थी। और यहाँ पर जी चिकन करी तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर जी हस्बैंड भी जॉब से आ चुके थे और तलखा भी स्कूल से आ चुके थे ना, तो फिर जी मैंने रोटी बना ली थी और सबने मिल के जी दोपहर का खाना खा लिया था। और फिर जी हस्बैंड जुमा पढ़ने के लिए चले गए थे। और ये जी देखिए मैं रोटी बना रही थी, यहाँ पर तो मैंने थोड़ी सी जो है ना वीडियो बना ली थी। और यहाँ पर जी जुमा पढ़ के जब आए तो फिर जी मैंने बना ली चाय। जब खाना हम लोग खा चुके, तो फिर जी ज्यादा टाइम नहीं रहा था ना जुमे की नमाज में, तो फिर जी हस्बैंड मस्जिद चले गए थे। और फिर जी जब वापस आए तो फिर ही मैंने चाय बनाई थी। और फिर जी चाय वगैरह पी के तो मैंने बर्तन वगैरह धोए और किचन काउंटर सारा क्लियर किया। और यहाँ पर जी मैं जा रही थी अपने रूम में, क्योंकि अलमारी से मुझे जो है ड्रेस वगैरह निकालना था जो मुझे पहन के जाना था बाहर। तो यहाँ पर जी अलमारी मैंने अपनी खोली है। और घर की क्लीनिंग वगैरह जो है वो मैंने सुबह में ही कर ली थी, क्योंकि जब बाहर चले जाएं फिर आके जो है ना घर का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना, तो इसलिए मैंने जो है ना घर का काम वगैरह सारा खत्म कर लिया था। और यहाँ पर जी ये मैंने कुर्ता निकाला था जो मुझे पहन के जाना था। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कोई प्रिंट मुझे इतना पसंद है कि ये जी मैंने दोनों एक ही जैसे लिए हुए हैं। एक है मेरा सर्दियों वाला कुर्ता और एक जो है गर्मियों वाला है, लेकिन ये है कि कलर भी एक ही जैसा है इनका और डिजाइन वगैरह भी। और ये प्रिंट ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो खैर सर्दियों वाला तो मैंने अंदर रख दिया क्योंकि आज मौसम काफी गर्म था। तो फिर ये मैंने नेट की जर्सी सी निकाली थी और ट्राउजर निकाला था ब्लैक, और ये स्कार्फ है मेरा, तो ये मुझे पहन के जाना था ड्रेस। तो यहाँ पर जी मैंने चेंज वगैरह सारा कर लिया था। और ये जी जूते थे जो मुझे पहन के जाने थे, क्योंकि गर्मी ही थी तो फिर मैंने गर्मियों वाला ही जूता निकाला और बस मॉइस्चराइज किया चेहरे को, हल्का सा मॉइस्चराइज करके चेहरे को। तो फिर जी मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था, और ये ना बड़ा लाइट सा फाउंडेशन है, फुल कवरेज नहीं है, तो ये यही है जैसे समझ लें कि बीबी क्रीम ही है, तो वो है मैंने लगा ली थी। और ये जी मेरी बड़ी फेवरेट लिपस्टिक्स हैं जो कि खत्म होने वाली हैं, तकरीबन ये खत्म ही होने वाली हैं। तो खैर जी इनमें मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला था, और मेरे जी ये बड़े ही फेवरेट शेड्स हैं। तो खैर ये मैं लेके आऊंगी मार्केट जब जाऊंगी ना, अभी जिस मार्केट जा रही हूँ उधर से तो ये नहीं मिलेंगी, तो खैर जी फिर कभी लेके आऊंगी। तो इनमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला है ना, तो ये दोबारा से इनमें से निकलना शुरू हो गई थी जो है ना लिपस्टिक। तो फिर जी मैंने ब्रश की मदद से लगा ली थी, तो यहाँ पर जी मैं रेडी हो गई थी। और ये तलहा है और ये मैं जा रही हूँ, और ताहा और इनके पापा जो है वो बैठ गए थे गाड़ी में, और मैं और तलहा भी आ गए थे। और बच्चे ना पहले ही तैयार थे, क्योंकि बच्चे मस्जिद गए हुए थे ना अपने पापा के साथ, तो उनको जो है पहले ही मैंने रेडी कर दिया था। तो ये जी अब हम जा रहे हैं। अच्छा मार्केट जिस जा रहे हैं ना उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ, यानी कि क्या नाम है मार्केट का और कितनी दूर है मेरे घर से। तो मार्केट का नाम है जी एक्शन, और मेरे घर से और इस मार्केट तक आने का जो फासला है वो है जी 10 मिनट का, यानी कि 10 मिनट ही लगती है मेरे घर से और इस मार्केट तक पहुँचने में। और ये मेरे लिए नई ही मार्केट है, मेरे लिए इसलिए भी नई है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी ना इस मार्केट में। अच्छा रमजान शरीफ से पहले ये ना खुली है, तो फिर रमजान शरीफ में तो मुझसे आने नहीं हुआ, तो आज मैंने कहा चलें चक्कर लगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे एरिया में ये शॉप नहीं थी, और कोई भी नई शॉप खुले आपके एरिया की तरफ तो जाहिर सी बात है आपको होता है कि चलें चक्कर लगा के आते हैं, और जो कुछ चाहिए हुआ तो वो भी ले आएंगे, और चक्कर भी जो है लग जाएगा और मार्केट का विजिट हो जाएगा ना। अच्छा आज ना मेरे जहन में भी नहीं था कि घर की कोई चीज लेके आनी है, या किचन की या कोई अपने लिए ना, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि जब मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ तो जहन में होता है कि ये चीज लेके आनी है या ये लेके आनी है, तो आज जहन में कोई भी नहीं था कि ये चीज लेके आनी है। तो खैर जी जब हम मार्केट पहुंच जाते हैं तो फिर तो जहन में सारी बातें ही आ जाती हैं, सारी चीजें ही याद आ जाती हैं कि ये चीज भी ले लेते हैं, ये चीज भी ले लेते हैं। तो खैर जी मैंने भी शॉपिंग की थी, जो कुछ मुझे चाहिए था तो वो मैंने जी ले ली, और साथ साथ वीडियो भी चल रही है, साथ साथ आप चीजें देख सकते हैं, साथ ही प्राइसेस भी इन पे लिखी हुई है जो चीज जितने की है, तो जी आपको वीडियो में नजर आ रही है। तो मुझे तो ये जी मार्केट काफ़ी अच्छी लगी, और चीज़ें भी बहुत ही प्यारी थी, और जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी रीजनेबल थी, और जो चीज़ों की क्वालिटी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। होता है ना कि अगर प्राइस चीज़ की थोड़ी है तो वो हो सकता है क्वालिटी में अच्छी ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही थी ना, क्योंकि चीज़ को देखने से भी पता चल जाता है ना। अच्छा एक्शन के साथ जो पैनी मार्केट है ना वो तो काफ़ी पुरानी है, यानी कि काफ़ी अर्सा पहले की है, और उधर तो हम लोग बहुत दफ़ा आते हैं, और ये वाली जो है ये नई मार्केट है ना हमारे लिए। ये जो
जो बॉक्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे थे, तो इनमें चीज़ें वगैरह डाल के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और वैसे भी जो है किचन के कैबिनेट वगैरह में अगर आप ऐसे नई चीज़ें रखना चाहते तो इनमें डाल के आप रख सकते हैं। फिर ये क्लीनिंग वगैरह भी जो है ना आसानी से हो जाती है, बॉक्स को आपने उठाया और अच्छे से जो है ना आपने जो है कैबिनेट वगैरह साफ़ करके, तो फिर जो है ये बॉक्स उसी तरह ही रख दिया, तो काफ़ी अच्छे थे ये भी। तो ये देखें ये चौकी सी थी, तो ये इसकी प्राइस लगी हुई है नीचे, तो ये भी बहुत ही प्यारी थी। और ये जी बॉक्स जो हैं ये भी काफ़ी जो है मुझे प्यारे लग रहे थे ना, एयर टाइट थे, तो अगर आप इनमें कुछ डाल वगैरह के फ्रिज में भी रखते हैं तो वो जो है अच्छे से रहता है। तो ये भी जो है काफ़ी साइज़ में थे, तो इनकी जो है प्राइस वगैरह साथ लगी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हर साइज़ में ही था ये। ये सारे एयर टाइट्स जो है जार्स वगैरह लगे हुए थे, तो आप इनमें पास्ता डालें, बिस्किट बच जाते हैं कई दफ़ा तो वो इनमें रख लें, तो जाहिर सी बात है एयर टाइट थे तो फिर जो है हवा वगैरह नहीं लगती, नमी वगैरह नहीं जो है उनको लगती, तो ये टिफ़िन वगैरह थे। और ये जी ग्लास वगैरह आ गए बच्चों के लिए। यहाँ पर जी ताहा कह रहे थे कि मुझे ये ग्लास चाहिए, तो वो ना काफ़ी ऊंचा था, तो फिर जी मैंने उन्हें उठा के दिया, लेकिन मैंने दूसरा उठा दिया था, तो वो कह रहे थे कि नहीं ये वाला नहीं मुझे दूसरा चाहिए। तो एक ही जैसे ग्लास थे सिर्फ कलर मुख्तलिफ थे, तो खैर ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये वाला नहीं चाहिए ये वाला चाहिए, तो खैर जी वो फिर मैंने उठा के इन्हें दिया ना, तो सेम ही ग्लास थे सिर्फ कलर जो है मुख्तलिफ थे। ये देखें जी ये कह रहे हैं नहीं ब्लू वाला नहीं मुझे ग्रीन वाला लेना है ना। यहाँ पर जी तलहा के पापा भी उनको बोल रहे थे और मैं भी ना कि आप भी ले लो ग्लास, तो तलहा कह रहे थे कि नहीं जी मैंने नहीं लेना। तो खैर जी जब इस एज में थे ना ताहा जितने, तो फिर वो भी बड़ी खुशी खुशी इस तरह की चीजें लेते होते थे अपने लिए ना, जैसे कोई प्लेट हो गई ग्लास हो गया, तो इस तरह की जो है चीजें काफी वो भी लेते होते थे। तो खैर जी जिस तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं, खैर जी बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो है पसंद भी तब्दील हो रही होती है, तो जाहिर सी बात है एज के हिसाब से ही वो फिर चीजें अपनी जो है लेते होते हैं। तो किचन की बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और ये जी बर्तन वगैरह थे, और पीछे आपने बेलन वगैरह भी देखे हैं, और जी पैन वगैरह भी देखे हैं, पतीलियाँ वगैरह भी, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और ये कप भी बहुत ही प्यारे थे सिंपल से ना, और प्राइसेस तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी, बहुत ही अच्छी प्राइसेस थी ना चीज़ों की। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे फूल थे आर्टिफिशियल, तो आप जी इनको ला के तो घरों में जो है रख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये देखें जी बहुत ही प्यारे प्यारे फूल थे। यहाँ पर जी ताहा के पापा ने उनका जो है फ़ोटो सेशन किया, तो ये भी जो है मैंने वीडियो में ही ऐड कर लिया है। तो ये देखें जी ये कारपेट वगैरह भी थे पड़े हुए। ये वाले जो है ना कुशन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन मुझे जो कलर चाहिए था ना वो था नहीं, और वैसे भी जो है ना चार एक जैसे नहीं थे, दो दो थे। तो खैर इस तरह भी जो है लोगों ने रखे होते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ना चार ही एक जैसे चाहिए थे। अच्छा एक तरफ थे एक जैसे ना, यानी कि चार में मुझे मिल रहे थे, लेकिन वो साइज़ नहीं था ना मेरे कुशनों का, यानी कि जो सोफ़े पे कुशन मैंने रखे हुए हैं ना वो साइज़ नहीं था ना। तो खैर जी जो मुझे चाहिए थे वो दो ही थे, चार नहीं थे। तो खैर जी यहाँ पर इन्होंने साक्स वगैरह भी रखी हुई थी, और ये गर्मियों वाली ही थी, जाहिर सी बात है गर्मी ही शुरू हो गई है, तो फिर जो है गर्मियों वाली ही चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी सारी।
और ये घर पहनने वाली चप्पलें वगैरह थी, छोटे बच्चों की भी, बच्चियों की भी और बड़ों की भी। और ये सारी देखें जी, चप्पलें वगैरह हैं घर पहनने के लिए। और यहाँ पर जी ताहा को पसंद आ गई ये कैप। फिर जी ये हमें पहन पहन के दिखा रहे थे, तो खैर जी ये इन्होंने ले ली। और इधर भी हम तलहा को यही कह रहे थे कि आप भी ले लो ना, आगे गर्मी है। तो तलहा कह रहे थे कि नहीं जी, मुझे सिंपल वाली चाहिए, इस पे स्पाइडरमैन पड़ा हुआ है। तो है जब ताहा जितने थे तो तब ये लेते ही वही चीज़ें थे जिन पे बैटमैन हो, स्पाइडरमैन हो, या इस तरह के कार्टून करेक्टर्स हों। तो खैर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चों के जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी पसंद भी तब्दील होती जाती है। तो खैर ताहा ने जी ले ली थी। तो ये देखें जी, यहाँ पर पोनियाँ वगैरह, क्लिप्स वगैरह, कैचर वगैरह पड़े हुए थे। और जो वेलवेट की पोनियाँ वगैरह हैं, जिस तरह हम लोग स्कूल जाते थे तो टेल पोनी करते थे वेलवेट की पोनियों से, तो वो भी पड़ी हुई थी। तो वो देख के जो है काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो गई। यादों से मुराद ये कि स्कूल लाइफ का जो दौर है वो याद आ गया। तो खैर जी ये देखें वेलवेट की पुनिया, और मैंने बहुत ही ज़्यादा अरसे बाद देखी है ना किसी भी स्टोर पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो खैर ये जी फीडर वगैरह जो है इधर पड़े हुए थे बच्चों के, और बिब वगैरह और इस तरह की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। और ये जी वाइप्स वगैरह और ये सारी छोटे बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये देखें ताहा का कोई हाल है, ये शूज़ जी हमें दिखा रहे थे, कहते हैं कि ये मुझे पूरे हैं, ये मैं ले लूं। तो फिर जी हमने इन्हें समझाया कि ये छोटे बच्चों वाले हैं, ये जी न्यू बोर्न बेबी जो हैं उनके थे पड़े हुए, और कुछ जो है लड़कियों के थे और लड़कों के मिक्स ही उन्होंने रखे हुए थे। और जो 3 महीने के बच्चे हैं उन जितने थे ये शूज़, यानी कि उनकी एज के थे। खैर जी इन्हें फिर समझ आ गई, फिर उधर से उठ गए। तो ये जी तलहा का फेवरेट जो है सेक्शन आ गया था बुक्स वगैरह वाला ना, तो ये इधर देख रहे थे। मैं तलहा को यही बोल रही थी कि आप भी ना बुक वगैरह कोई ले लो, कोई भी ड्राइंग वगैरह करने वाली। तो कह रहे थे कि मामा नहीं, ये छोटे बच्चों वाली है, तो मैंने ताहा के लिए ली है ना। तो मैंने कहा चलने सही है, ये भी जी ताहा के लिए जो है इन्होंने लिया था बॉल सा। तो ये देखता, ये बेटे को भी मैंने सुबह बोला था, मैंने कहा आज हमने मार्केट जाना है तो आपने भी जो है कुछ मंगवाना है तो बता देना। तो ये बेटे ने तो जी चॉकलेट्स वगैरह का बोला था, और ये वाला जी सेक्शन इन्होंने खाने पीने की जो चीज़ों का है वो रखा हुआ था। तो यहाँ पर जी तलहा ने खैर जी अपनी पसंद की चीज़ें ले ली थी जो इन्हें जो है खानी थी। तो खैर जी यहाँ पर मेकअप वगैरह था, ये पैलेट्स वगैरह थी, और मुख्तलिफ ना इनकी प्राइसेस वगैरह थी जैसा कि आप देख भी रहे हैं, और लिपस्टिक्स वगैरह भी थी और मस्कारा वगैरह भी, यानी कि मेकअप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ब्रश वगैरह, जो भी ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह, और वो सारी ही थी। और ये नीचे बॉक्सेज वगैरह भी थे ना, ब्यूटी बॉक्सेज वगैरह, यानी कि मेकअप वगैरह रखने वाले जो बॉक्स वगैरह होते हैं, और ये ब्रश वगैरह थे। और जो है ये देखिए एक पैलेट मैंने खोल के दिखाई है आपको। यहाँ पर मास्क वगैरह पड़े हुए थे, सीरम वगैरह सारे पड़े हुए थे। और ये देखिए जी ये मैं ऑयल आपको दिखा रही थी, कैस्टर ऑयल। और ये जी मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई, ये जो वैसलीन है, तो इसे देख के जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा कि ये भी जी अब स्टोर्स पर अवेलेबल है, इन स्टोर्स पर ना, क्योंकि कुछ साल पहले ये नहीं मिलती थी। तो आज मैंने इस स्टोर पर भी देखा, और एक और मार्केट है तो उधर भी मैंने ये ना कुछ अर्सा पहले देखी थी। तो खैर जी अच्छा लगता है जब जो है अपने देश की चीज़ें जो है नज़र आएँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर जी ये खाने पीने वाला जो है कुछ सेक्शन था, पीछे जो आपने देखा है ये तो जूते वगैरह हैं, तो उधर से भी जो है कुछ सामान वगैरह हमने लिया। ये जी जूते वगैरह थे, और ये जी बैग्स वगैरह थे, तो ये भी जो है मैंने वीडियो बना ली थी। और ये टाइट्स वगैरह थी, और ये जी घड़ियाँ वगैरह थी। और ये जी आगे हम जा रहे हैं, शॉपिंग हमारी जी हो गई थी कम्प्लीट, जो कुछ मुझे लेना था। और व्यूअर्स जो कुछ भी मैंने शॉपिंग की है वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि क्या कुछ इधर से मैंने बाय किया है। लेकिन जिस दिन हम आए थे बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, और बच्चों के मस्जिद जाने का भी टाइम होने वाला था, तो इनको खाने पीने का दिया था। ये बेटे भी स्कूल से आ चुके थे, तो लंच वगैरह उनका स्कूल ही था, तो फिर भी जी जाहिर सी बात है जब वो आए थे तो उन्हें मुझे कुछ ना कुछ बना के देना था, तो फिर उनके साथ मैं बिजी हो गई, फिर बच्चे मस्जिद चले गए। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी थी जो हम साथ साथ ले रहे थे, और कुछ रह गई हैं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी।